हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये जानना है कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स या टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, यानी कि कुल कितने कॉलम्स हैं या कुल कितने रोज हैं, तो ये हम कैसे पता लगाएंगे। कभी कभी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अब मान लीजिए कि हमें ये जानना है कि कितने कॉलम्स हैं, यानी कि कुल कितने कॉलम्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला टाइप करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू टाइप करिए, उसके बाद CO L U। जब आप COLU टाइप करेंगे तो नीचे देखिए दो ऑप्शन दिखा रहा है, कॉलम या कॉलम्स। ठीक है, तो हमें दूसरा वाला ऑप्शन ऑप्शन यानी कि कॉलम्स पे डबल क्लिक करना है। तो ये देखिए फॉर्मूला ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, वन टाइप करेंगे, उसके बाद सेमी कॉलन टाइप करेंगे, फिर वन टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर आ गए। ठीक है, 16384। अब रोज अगर जानना है तो हमें क्या करना है, इज इक्वल टू टाइप करना है, उसके बाद ROWS टाइप करना है। उसके बाद नीचे देखिए रोज का मतलब फॉर्मूले का ऑप्शन आ गया, इस पर डबल क्लिक करिए, फॉर्मूला ओपन हो गया। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, रोज जानने के लिए हमें वो कॉलम टाइप करना है जिस कॉलम में ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि ऊपर ये जो सी कॉलम है इसमें हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सी टाइप करेंगे, ठीक है, उसके बाद सेमी कॉलन लगाएंगे, उसके बाद फिर सी टाइप करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए टोटल नंबर ऑफ रोज यहां पर आ गई।